नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म पुआड़ा के बारे में। ये एक पंजाबी फिल्म है, G5 पर आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, पंजाबी में पुआड़ा का मतलब होता है बहुत सारी गड़बड़ियाँ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रुपिंदर चहल ने। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एकदम साधारण है। जग्गी यानी कि एमी विर्क एक किसान का बेटा है, इनका डेयरी का भी काम है और जग्गी सुबह सुबह लोगों के घरों में दूध पहुंचाने का काम करता है। वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं पास है, वो भी ओपन से, लेकिन उसको प्यार है एक लड़की से जिसका नाम है रौनक। रौनक की भूमिका निभाई है सोनम बाजवा ने। तो रौनक जो है वो एक आर्मी अफसर की बेटी है, वो MBA कर रही हैं और उनके पिता ये चाहते हैं कि किसी बड़े अफसर से उनकी शादी कर दी जाए। अब जग्गी और रौनक के सामने ये समस्या है कि किस तरह से वो अपने परिवार को मनाए। वो शादी करना चाहते हैं, परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जो परिवार हैं वो भी इसके लिए सहमति प्रदान करें। तो इसी तरह की कहानी आप यहाँ देखते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यहाँ कहानी एकदम ही साधारण है, या आप कह सकते हैं कि बचकानी कहानी हमारे सामने पेश की गई है, लेकिन ज़्यादातर जो पंजाबी फिल्में हैं, खास करके जो रोमांस और कॉमेडी वाली फिल्में होती हैं, उसमें कहानी कुछ ऐसी ही होती है। और ये जो एक फार्मूला है कि जो लड़का है वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, वो किसान का बेटा है और लड़की जो है वो थोड़ी हाई सोसाइटी की है, ये चीज़ें भी पंजाबी कई गानों में और फिल्मों में आपने पहले देखी होंगी। और दोस्तों, यहाँ कुछ सिचुएशंस रखे गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, खास करके कि जब हम देखते हैं कि गांव में आतंकी घुस आते हैं और उसके बाद कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये फिल्म देखने में ज़रूर अच्छी लगती है। इस फिल्म में लाफ्टर का भरपूर डोज है और कुछ जो डायलॉग्स हैं या कुछ जो सिचुएशंस हैं वहाँ आप अपनी हंसी रोक नहीं सकते। और दोस्तों, यदि आप पंजाबी जानते हैं तो इस फिल्म को आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप पंजाबी रहन सहन को जानते हैं, उनके तौर तरीक़ों को जानते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं, पंजाबी नहीं जानते, वहाँ के कल्चर को उतना नहीं जानते, तो फिर आपके लिए ये जो फिल्म है एक साधारण फिल्म ही रह जाती है। और दोस्तों, यहाँ सॉन्ग्स भी हैं वैसे ही हैं जैसे पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं। एमी विर्क हैं, सोनम बाजवा हैं, दूसरे और कलाकार हैं, सबने अपना काम अच्छे ढंग से ही किया है। तकनीकी तौर पे भी ये एक ठीक ठाक फिल्म कही जा सकती है। तो दोस्तों, ये फिल्म है 2 घंटे की और एकदम साफ सुथरी फिल्म है। आप अगर कुछ लाइट एंटरटेनमेंट चाहते हैं, एकदम लाइट मूड में हैं, कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो और वो चीज़ आपको थोड़ा एंटरटेन भी करे, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप पंजाबी जानते हैं तो फिर इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर जो न्यूएंसेज हैं उसको आप थोड़ा मिस कर सकते हैं, क्योंकि सबटाइटल्स पढ़ करके वो बात समझ में नहीं आती जो डायलॉग सुनने कर सीधे सीधे समझ में आती है। और दोस्तों, इस फिल्म को मैं थोड़ी ठीक रेटिंग देने वाला हूं, क्योंकि जो लोग इस फिल्म को समझ सकते हैं वो उनको बहुत एंजॉय करेंगे, और इसलिए मेरी रेटिंग है दोस्तों 5 में से 3 की। तो आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।